देश की प्रगति है तब तक अधूरी, किसान के विकास के बिना ना होगी पूरी। सिर्फ खेती के भरोसे हमारे किसानों की हालात हो रही है बुरी। चलो किसानों को एग्री बिजनेस सिखा के, चलो किसानों को एक साइड बिजनेस सिखा के करते हैं उसकी आत्मनिर्भर होने की इच्छा पूरी। नमस्कार, मैं राहुल शेंडे, कृषि जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस आइडियाज की। पिछले वीडियो में हमने बात की कि आप कैसे एग्रीप्रेन्योर बन सकते हो, और आज हम बात करेंगे उन एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस आइडियाज की जिनके भरोसे आप आपका बिजनेस खड़ा करने वाले हो, जिनके भरोसे आप आपका बिजनेस बड़ा करने वाले हो। अगर आप एक पढ़े लिखे किसान हो या फिर किसान के बेटे हो और पढ़े लिखे हो, और आप कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो सकता है आप ना ही किसान हो और ना ही किसान के बेटे हो, लेकिन आपके पास थोड़ी सी जगह है घर के सामने या फिर आपके पास जमीन है, उस जमीन में क्या उगाइए आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से खेती करके हमारे किसानों की हालत तो सुधर नहीं रही है। देखो, खेती तो हमें करना ही है, खेती को ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन खेती के साथ साथ अगर हम कोई एग्री बिजनेस कर सकें तो हम हालात को बेहतर बना सकते हैं। यह वीडियो पूरा देखो, आज मैं आपको 45 एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस आइडियाज बताऊंगा। हो सकता है उनमें से काफी बिजनेस आइडियाज ना आपने कभी सुना हो, ना कभी देखा हो और ना कभी सोचा हो। हो सकता है उन 45 बिजनेस आइडियाज में से कोई बिजनेस आइडिया आपको बहुत पसंद आए, आपको लगे कि वो बहुत आसान है करने के लिए, और यह वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत बाद आप उस पर काम करना शुरू कर दो। हो सकता है, तो चलो शुरू करते हैं। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 1, ओएस्टर एंड मिल्की मशरूम्स। यह दोनों मशरूम के टाइप्स हैं। भारत के किसी भी कोने में इनका कल्टीवेशन इजीली किया जा सकता है। इसके ट्रायल के लिए आप सिर्फ 1000-2000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। जैसे ही ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। ओएस्टर एंड मिल्की मशरूम के अधिक जानकारी के लिए आप हमारे GBS मशरूम्स एंड एग्रो बिजनेसेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, मशरूम एक ऐसा बिजनेस है जिसका अवेयरनेस हमारे इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मशरूम का फ्यूचर हमारे इंडिया का बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि मशरूम एक सुपर फूड है। इंडिया में मशरूम बिजनेस का फ्यूचर, इस पे जल्दी ही डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 2, बटन मशरूम्स। मैंने बटन मशरूम को ओएस्टर एंड मिल्की मशरूम से सेपरेट रखा, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके माइसिलियम रन को 20 से 28 डिग्री सेल्सियस और मशरूम प्रोडक्शन को 12 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 80-90% ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। हमारे भारत के उत्तरी विभाग में इसकी सीजनल खेती की जाती है विंटर में, लेकिन हाईटेक शेड्स में पूरे भारत भर इसकी साल भर खेती की जाती है। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 3, पैडी स्ट्रॉ मशरूम। भारत के कुछ भागों में पैडी स्ट्रॉ मशरूम को बहुत पसंद किया जाता है। इसकी टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। इसकी भी शुरुआती ट्रायल 2-3 हजार से किया जा सकता है, और फिर बड़े पैमाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत लग सकती है। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 4, कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज मशरूम। यह एक मेडिसिनल मशरूम है और इसकी स्पेशल लैब में कल्टीवेशन किया जाता है। यह काफी महंगी बेची जाती है। जैसे काफी वेबसाइट्स के अनुसार इसकी इंडिया में सेलिंग प्राइस लगभग 2-3 लाख रुपए पर केजी से ज्यादा है। ऑयस्टर, मिल्की, बटन, पेडिस्ट्रो, कॉर्डिसेप, इस तरीके के काफी मशरूम्स के टाइप्स हैं जो भारत में उगाए जाते हैं, जैसे कि गैनोडर्मा मशरूम, शिटाके मशरूम, और इनका भी आप बिजनेस करके मार्केट में अवेलेबल करके इनको बेच सकते हो, और इसका भी बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 5, पोल्ट्री फार्मिंग। यह बहुत ही परिचित एग्री बिजनेस है, लगभग सभी को इसके बारे में पता होता ही है। इसमें भी बहुत सारे प्रकार की मुर्गियां आती है, जैसे बॉयलर, फ्रीजलर, कड़कनाथ, नेकेड नेक, गावरान, वनराज और बहुत सारे। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 6, गोट फार्म या बकरी फार्म। बकरी को गरीब की गाय बोला जाता है। यह भी एक बहुत ही परिचित एग्री बिजनेस है। गोट्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे जमुनापारी, बीटल, बारबारी, सिरोही, उस्मानाबादी और बहुत सारे। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 7, डेयरी फार्मिंग। यह भी एक बहुत ही परिचित एग्री बिजनेस है, क्योंकि दूध के बारे में किसको पता नहीं होगा। दूध के लिए गाय और भैंस का ज्यादा उपयोग किया जाता है। भारत के किसी किसी भाग में बकरी का भी दूध के लिए उपयोग किया जाता है। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 8, फिश फार्म। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।
छोटी सी जगह से आप फिश फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके खेत में फिश टैंक ऑलरेडी है तो आप आसानी से फिश फार्मिंग शुरू कर सकते हो। आपको छोटे फिश यानी फिश सीड को खरीदना है और आपके फिश टैंक में डालना है। फिश में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रोहू, कटला, तोर, हिलसा, पुलासा फिश, कजौली और बहुत सारे। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 9, पर्ल फार्मिंग। पर्ल, जिसको हम मोती बोलते हैं, मोती की खेती। फिश फार्म जैसे पर्ल फार्मिंग भी आप शुरू कर सकते हो। इसके लिए भी आपके पास वाटर टैंक और लगभग साल भर वाटर अवेलेबिलिटी की जरूरत रहेगी। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 10, ऑर्गेनिक क्रॉप फार्मिंग। इस बिजनेस में आप ऑर्गेनिक तरीके से क्रॉप सब्जियां उगा सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। सभी तरीके की सब्जियां इसमें शामिल किया जा सकता है। अगर आपके पास एक एकड़ भी जमीन है तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 11, एग्रो टूरिज्म और इको टूरिज्म बिजनेस। इसमें आपके पास अगर एक दो एकड़ भी जमीन है तो आप एग्रो टूरिज्म का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। इसमें आपको आपके खेत को देखने लायक बनाना होता है, अट्रैक्टिव और सुंदर बनाना होता है। इसमें आप बहुत अलग अलग तरीके के सब्जियां उगा सकते हो, फ्लावर्स उगा सकते हो, साथ में गोट फार्म, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, मशरूम फार्म, फिश फार्म, पर्ल फार्म, इन सब का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। और अगर आपके फार्म में आपने कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, इनोवेटिव, हटके किया है तो जो टूरिस्ट लोग रहेंगे वो आपका फार्म देखने को पसंद करेंगे। इसमें आपको आपके फार्म को डेकोरेट करना होता है और जो भी टूरिस्ट आपका फार्म देखने आएंगे उनसे विजिटिंग चार्जेस लेने होते हैं। यह भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप आपका फार्म अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सको और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 12, हर्ब्स फार्मिंग। हर्ब्स यानी औषधि वनस्पति। आप औषधि वनस्पतियों का उत्पादन कर सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। औषधि वनस्पति में बहुत सारे वनस्पतियां आते हैं। इन औषधि वनस्पतियों का उत्पादन लेके आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज को आप बेच सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 13, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस रिटेलिंग। इसमें आप कोई भी शॉप ओपन कर सकते हो जिसमें ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑर्गेनिक तरीके से उगाने वाले फार्मर से बल्क में खरीद के आप आपकी शॉप में रिटेल में बेच सकते हो। इसके लिए आपको जो फार्मर्स ऑर्गेनिक तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं उनसे कॉन्टैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 14, वर्मिकल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें आप वर्मिकल्चर के मदद से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो और बेच भी सकते हो। अर्थवर्म्स यानी केचुआ, केचुओं की मदद से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। यह बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है और गोबर भी है तो आप वर्मी कल्चर खरीद के इसका बिजनेस शुरू कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे देखा जाता है और खेतों में, नर्सरी में, गार्डन में, घरों के पौधों के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्री बिजनेस नंबर 15, मल्टी प्लांट सीडलिंग नर्सरी। नर्सरी को हिंदी में पौधशाला बोलते हैं। तो आप नर्सरी शुरू कर सकते हो जिसमें विविध प्रकार के पौधे लगा के थोड़े बड़े होने के बाद लोगों को बेच सकते हो। इसमें सभी प्रकार के फ्लावर्स के प्लांट्स, फ्रूट्स के प्लांट्स आ सकते हैं। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 16, गार्डनिंग लैंडस्केपिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट शॉप। आप एक ऐसा शॉप डाल सकते हो जहां गार्डनिंग के लिए लगने वाले सभी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मिले, वन स्टॉप डेस्टिनेशन, ताकि किसी भी गार्डनिंग के रिक्वायरमेंट के लिए लोग सिर्फ आपके शॉप में ही आए। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 17, लाइव स्टॉक फीड प्रोडक्शन यानी पशुधन चारा उत्पादन। इसमें आप पशुओं का चारा बना के अच्छे से पैक करके बेच सकते हो या फिर सिटीज में रीसेल भी कर सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 18, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यानी जैविक खादों का उत्पादन। इस बिजनेस में आप ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइजर्स बना के बेच सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 19, फ्लोर मिलिंग यानी आटा पिसाई। इस बिजनेस को भी शुरू किया जा सकता है अगर आपके पास आटा मशीन रखने के लिए जगह है और अगर आप आटा मशीन खरीद सको और आपको पता है कि आपके एरिया में यह बिजनेस चल सकता है तो आप यह बिजनेस भी आसानी से शुरू कर सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 20, ऑर्गेनिक फ्रूट जूस शॉप। जो लोग ऑर्गेनिक तरीके से फलों का उत्पादन लेते हैं उनसे फल खरीद के आप आपकी ऑर्गेनिक फ्रूट जूस शॉप ओपन कर सकते हो और फलों का जूस निकाल के बेच सकते हो। सिटीज में यह बिजनेस अच्छे से चलने की संभावनाएं हैं। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 21, गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग मेंटेनेंस सर्विसेज।
इस बिजनेस में आप गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है तो आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हो, और अगर आपको इसका नॉलेज नहीं भी है तो आप यह कहीं से सीख सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 22, एग्रीकल्चरल ब्रोकरेज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। यह बिजनेस हमारे भारत में बहुत कम मात्रा में है, लेकिन भविष्य में यह बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलेगा। भविष्य में एग्रीकल्चर ब्रोकरेज एंड कंसल्टिंग कंपनीज रहेंगी जो किसानों को गाइड करेगी कि एडवांस फार्मिंग के साथ क्रॉप कैसे ले, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किस तरीके से फार्मिंग की जाए। अगर आपको लगता है कि आप एग्रीकल्चरल ब्रोकरेज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो तो आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 23, एग हैचरी प्रोडक्शन। इस बिजनेस में एग्स को आर्टिफिशियल तरीके से इनक्यूबेट किया जाता है और वन डे ओल्ड चिक्स का सप्लाई किया जाता है। एक बड़े पैमाने पे यह बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 24, फ्लावर्स प्रोडक्शन। इस बिजनेस में आप आपके खेत में अलग अलग तरीके के फ्लावर्स के प्लांट्स लगा सकते हो, फ्लावर्स का उत्पादन ले सकते हो और फ्लावर्स को बेच सकते हो। इसके लिए आपके पास खेत होना जरूरी है, फ्लावर्स की खेती का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं भी है तो ये आप कहीं से सीख सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 25, बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन। यह बिजनेस खेतों में किया जाता है, शहद के बारे में किसको पता नहीं होगा। साल भर यह बिजनेस करने के लिए लोकेशन चेंज करते रहना पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऐसा बोल सकते हैं, मेहनत भी ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा रह सकता है। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 26, चिक एग प्रोडक्शन। पोल्ट्री दो पर्पस के लिए यूज होती है, एक मीट यानी कि मांस के लिए और दूसरा एग्स यानी कि अंडों के लिए। कुछ पोल्ट्री फार्म्स मिक्स पर्पस के लिए यूज की जाती है, जैसे मीट एंड एग्स दोनों के लिए। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 27, क्वेल फार्मिंग, यानी हिंदी में इसको बटेर बोलते हैं और मराठी में लावा। मीट और एग्स दोनों के लिए इसकी बहुत डिमांड रहती है। इसकी फार्मिंग भी आप बहुत थोड़े से जगह से कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 28, कैक्टस फार्मिंग। आप कैक्टस फार्मिंग भी कर सकते हो। कैक्टस एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज होता है और कैक्टस को गार्डन या घरों में भी शोकेस की तरह यूज किया जाता है। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 29, ऑर्गेनिक बायोडीजल प्रोडक्शन। इस बिजनेस में आप वेजिटेबल ऑयल, एलो ग्रीस एंड कुकिंग ऑयल और एनिमल फैट से बायोडीजल प्रोड्यूस कर सकते हो और इसे बेच भी सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 30, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। अभी एडवांस फार्मिंग में बहुत सारे किसान खेती में कुछ लगाने से पहले सॉइल टेस्ट करते हैं। फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे ही हर किसान हर साल सॉइल टेस्ट करने के बाद ही खेत में कुछ लगाएगा। आप यह बिजनेस शुरू करके लोगों को सॉइल टेस्ट करने के फायदों के बारे में बता सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 31, एग्रीकल्चरल लोन सेंटर। यह भी मुझे बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया लगा। कोई कंपनी या फिर कोई एजेंसी या फिर कोई छोटी बैंक सिर्फ एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेसेस को ही फंड या लोन प्रोवाइड करे और उनको ही प्रमोट करे। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 32, स्पिरुलिना फार्मिंग। स्पिरुलिना एक प्रकार की शैवाल है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज की जाती है। बहुत ही कम जगह में इसकी खेती की जाती है। यह भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 33, प्लांट्स सीड शॉप। आप एक ऐसा शॉप ओपन कर सकते हो जहां हर प्लांट्स के, हर वेजिटेबल के सीड्स मिलते हो और जहां आप क्वालिटी सीड सेल कर रहे हो। इसमें भी दो टाइप्स के बिजनेस हो सकते हैं, एक जो क्वालिटी सीड्स बनाए और दूसरा उन क्वालिटी सीड्स को पैक करके मार्केट में सेल करें। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 34, एक्वेरियम फिश फार्मिंग। इस बिजनेस के जरिए आप उन लोगों को एक्वेरियम फिश सेल कर सकते हो जो घर में शोकेस के लिए एक्वेरियम फिश रखना पसंद करते हैं। इसकी भी बहुत डिमांड है और भविष्य में भी इसकी डिमांड और बढ़ सकती है। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 35, एक्वेंटिक प्लांट्स फार्मिंग। इस बिजनेस में उस प्रकार के प्लांट्स आते हैं जो पानी पे तैरते हैं, इसका भी बिजनेस आप कर सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 36, फार्म मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। अब जो फार्मर्स लोग होते हैं उनके रेगुलर काम आसान करने के लिए अगर आपने कोई मशीनरी बनाई तो वो बहुत डिमांडिंग हो जाएगी। किसानों के काम में आने वाली कोई भी मशीनरी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो और सेल कर सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 37, बाम्बू फार्मिंग।
अगर आपके पास जमीन है और आप एक बार कल्टीवेशन करके कुछ सालों बाद बहुत प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप बांबू फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें आपके पास 4-5-6 साल का पेशेंस होना जरूरी है। एग्रीकल्चर बिजनेस नंबर 38, सागवान फार्मिंग। बांबू फार्मिंग जैसे ही सागवान फार्मिंग भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस का विकल्प है, जहां जमीन में एक बार पौधा लगाओ और बिना मेहनत के कुछ सालों बाद इनकम पाओ। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 39, नीलगिरी फार्मिंग। बांबू और सागवान जैसे नीलगिरी भी बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल विकल्प है, एक बार पौधा लगाओ और कुछ सालों बाद प्रॉफिट कमाओ। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 40, बोनसाई फार्मिंग। बोनसाई एक ऐसी टेक्निक है जिससे पेड़ों का साइज छोटा रखा जाता है और उसे गार्डनिंग में या घरों में शोकेस के जैसे यूज किया जाता है। अब अगर आप चाहो तो पूरा एक छोटा सा घर में ही जंगल बोनसाई पेड़ों का बना सकते हो, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है बिजनेस के तौर पे। बोनसाई फार्मिंग क्या है, इसमें पेड़ों का साइज छोटा कैसे रखा जाता है, इसका बिजनेस कैसे किया जाता है और इसके बिजनेस के लिए लागत कितनी लगती है और प्रॉफिट कितना कमाया जा सकता है, इस पे एक जल्दी ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 41, ऑर्किड कल्टीवेशन एंड फार्मिंग। ऑर्किड एक प्रकार का फ्लावर है जिसका कल्टीवेशन किया जाता है, इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है, तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है एग्री बिजनेस के तौर पे। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 42, पेट ग्रूमिंग बिजनेस। बड़े सिटीज में यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आपको पेट से प्यार है और अगर आपको यह सब चीजें आती है या फिर आप सीखना चाहते हो तो आप यह बिजनेस कर सकते हो। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 43, पॉन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। अगर आपको पॉन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है तो आप पॉन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपको इसका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप यह कहीं से सीख सकते हो, कहीं से नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ले सकते हो और आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हो, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा रहने की संभावनाएं हैं। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 44, पेट वेरिएबल्स एंड फैशन क्लॉथिंग शॉप। बड़े सिटीज में पेट्स के लिए कपड़ों की शॉप भी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। एग्री बिजनेस आइडिया नंबर 45, फ्रूट्स फार्मिंग। इस बिजनेस में आप किसी भी प्रकार के फ्रूट्स कल्टीवेट कर सकते हो और सेल कर सकते हो। इसमें आप पपाया, बनाना, ग्रेप्स, आंवला, मैंगो, गावा फ्रूट, ऑरेंजेस, एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अनार और बाकी भी फ्रूट्स का उत्पादन कर सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। अगर आप फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो किसी फ्रूट्स प्रोड्यूस करने वाले से खरीद सकते हो और मार्केट में रिटेल में बेच सकते हो। तो दोस्तों, यह थी पूरी की पूरी 45 एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस आइडियाज। मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा एग्री बिजनेस मैं आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन अगर कोई एग्री बिजनेस छूट गया, अगर आपको लगता है कोई एग्री बिजनेस छूट गया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और यह वीडियो आपको कैसे लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आपके फीडबैक्स एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो और इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोज हमेशा मिलने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और यह वीडियो शेयर करो उन तक जो एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो एग्री बिजनेस में आना चाहते हैं, यानी कि जो एग्रीप्रेन्योर बनना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।